जयराम रमेश साहब को सुन रहे थे, ये क्रोनोलॉजी हमें भी समझाइए, क्या क्रोनोलॉजी है? मुझे पता नहीं है जयराम जी किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस क्या कर रही है ना, कांग्रेस आग के साथ खेल रही है। जी वो कहते हैं हमने बचपन में सोचा, हमने हम जब बचपन में थे ना, तो देखिए हम लोग सब एक एक दौर से गुजरे हैं अपने छोटेपन में, और हम लोगों ने सबने बहुत मुश्किल से सीखा है ना, अपने आसपास के चेहरों को देख के, अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से, अपने मित्रों से, अपने छोटों से भी सीखा है कि देखिए झूठ बोलने से ज्यादा सच की कीमत होती है। तो अगर आप किसी मुसीबत में भी फंस जाएं, तो वहां पे कहानियों पे कहानी घड़ने की जगह, यानी एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोले, क्योंकि वो आप एक चक्रव्यूह है उसमें उलझते चले जाएंगे जी। तो वो क्या है, आप यहाँ पे सच ले लें। तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की गलती क्या है, कांग्रेस इस चक्रव्यूह को भेद नहीं पा रही है, वो समझ नहीं पा रही है, क्योंकि पात्रता की मार है उनके दिमाग पे। पात्रता एंटाइटलमेंट, इंग्लिश में शब्द है एंटाइटलमेंट, उसकी हिंदी है, आपको तो नहीं बताऊंगा, मैं जरूरत नहीं करूंगा, लेकिन बहुत से दर्शकों को नहीं पता होगा, मैंने भी आज सीखा है, मैं भी अपनी हिंदी रोज संवारने में कोशिश करता हूँ, मेरी गलती नहीं है, मैं विदेश से पढ़ा लिखा हूँ और मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपनी हिंदी संवारने में, और मैं हिंदी नेशनल डिबेट का चैंपियन भी रहा हूँ अपने स्कूल टाइम में, लेकिन उसके बाद है। तो पात्रता सर पे सवार होती है ना किसी इंसान के, तो वो अपने सामने हर इंसान को छोटा महसूस कराता है, वो कहता है मैं कानून से बड़ा हूं, मैं कानून से ऊपर हूं, मेरे को क्या करेंगे। मैंने अभी एक वीडियो भेजा, शायद आपको भी भेजा होगा मैंने, वो आपने देखा है क्या? नॉटी है थोड़ा सा, लेकिन क्या करें जी, है ना। तो उसमें आप व्हाट्सएप देखेंगे तो उसमें क्या है, राहुल गांधी एक गाड़ी में से खोल के बोल रहे हैं, मैं बोल दे रहा हूं हम किसी से नहीं डरते, जो करना है कर ले। भाई साहब ऐसा है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस देश में कानून व्यवस्था है, आप कानून से ऊपर नहीं है। हम आज तक ये सवाल पूछ रहे हैं कि रॉबर्ट वड्रा का नाम एयरपोर्ट की वीआईपी लिस्ट में क्या कर रहा था, कोई जवाब नहीं है। हम आज तक आपसे पूछ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है।